हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सो बेटा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? हम इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। कैसे? या तो ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं, इसीलिए हम इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। चलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। तो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं और डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन से ड्राइव किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल 3-acetic acid, एडिनिन डेरिवेटिव्स, इस तरह से इनको ड्राइव किया जाता है। जैसे इंडोल 3-acetic acid से आपका ऑक्सिन ड्राइव किया जाता है, एडिनिन से साइटोकाइनन, कैरोटीनॉइड से एब्सिसिक एसिड, टर्पीन से जिब्रेलिक एसिड, इस तरह से ये हमारे हॉर्मोन्स को हम ड्राइव करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स। इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम फाइटो हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स भी कहते हैं। इनके प्रिकर्सर्स हमने देख लिए कि इंडोल 3-acetic acid से हमारा ऑक्सिन का बनना या फिर एडिनिन से साइटोकाइनिन का बनना, इस तरह से ये इनके प्रिकर्सर होते हैं जो कि इन प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन को बनाने में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं, द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस इन ए लिविंग प्लांट बॉडी। सो जो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं टू ग्रुप्स पर। किसके बेस में? इनके फंक्शन के बेस पर। इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वन ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़। जो एक ग्रुप होता है हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, उसमें इन्वॉल्व होता है प्लांट की ग्रोथ की एक्टिविटीज़। मींस किस तरह से हम जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ होती है, मतलब प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उनको हम एक ग्रुप में रख देते हैं। और सेकेंड ग्रुप में रखते हैं हम इनहिबिटर्स को, जो कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इसी तरह से जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उन हॉर्मोन्स को देख लेते हैं हम। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स उनको कहा जाता है, एग्जांपल ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनन। इन हॉर्मोन्स को हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। क्या करते हैं? ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, सच एज सेल डिवीज़न, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉफिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। इन सभी को करने में हेल्प करते हैं। अगर सेल डिवीज़न होगी या सेल इनलार्जमेंट होगा, पैटर्न फॉर्मेशन होगा, ट्रॉफिक ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगा, फ्रूट का बनना, सीड का फॉर्मेशन होना, ये सभी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स करते हैं। नेक्स्ट है हमारे, प्लांट ग्रोथ ऑफ द अदर ग्रुप प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्स टू वंड्स एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ऑरिजिन। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज सच एज डॉर्मेंसी एंड एब्सेशन। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जिनको हम इनहिबिटर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? डॉर्मेंसी करवाते हैं और एब्सेशन करवाते हैं प्लांट में। डॉर्मेंसी का क्या मतलब है? डॉर्मेंसी का मतलब है कि सीड का जर्मिनेशन नहीं होने देना, मींस सीड के जर्मिनेशन को रोकना। एब्सेशन मींस लीफ का झड़ जाना, शेड ऑफ होना। द PGR एब्सिसिक एसिड बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। तो जो हमारा एब्सिसिक एसिड है वो इनहिबिटर हॉर्मोन्स से बिलोंग करता है, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ये हमारा सीड डॉर्मेंसी करवाता है। द गैसियस PGR इथाइलिन कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप्स, बट इट इज़ लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है हमारा प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन, जिसका नाम है इथाइलिन। ये आपका इनहिबिटर भी हो सकता है, प्रमोटर भी हो सकता है, बट लार्जली हम इसको
इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज़ में देखते हैं।